हेलो फ्रेंड्स, डेली हिंट टिप्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे के निकल रहे हैं दांत तो उनके दर्द और बेचैनी को कम करेंगे आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों के दांत या फिर टीथ का निकलना बहुत ही कॉमन बात है और ये दांत अक्सर दूध के दांत के रूप में जाने जाते हैं। वैसे आमतौर पर फ्रेंड्स, बच्चों के दांत निकलने की शुरुआत 6 से 8 महीने के बीच हो जाती है और 2 साल तक लगभग सारे दांत निकल आते हैं। जी हाँ, और जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब उनके लिए ये समय बहुत ही तकलीफ भरा होता है। बच्चों को दांत निकलने के दौरान उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है और वो जिद करने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन बच्चों को कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं जिस कारण बच्चा कमज़ोर यानी कि वीक और चिड़चिड़ा हो जाता है। शुरुआत में बच्चे को संभालना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चे का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे इस्तेमाल करके आप बच्चों की तकलीफ को कम कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे कि आपके बच्चे के दांत बिना किसी परेशानी के निकल सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हिल टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चों के दांत निकलने पर कौन सी तकलीफें यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर इस टाइम पीरियड में बच्चों को दस्त और उल्टी की समस्या होती है। इसके अलावा कुछ बच्चों को पेट दर्द और कब्ज की समस्या होती है। इन दिनों बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। दांत निकलने के दौरान बच्चों के मसूड़े में खुजली और साथ ही सूजन होने लगती हैं। इसके अलावा बच्चे के मसूड़े सख्त यानी कि हार्ड हो जाते हैं और दांत निकलना बेचैनी और दर्द का कारण बन जाता है। जी हाँ, इसके अलावा अत्यधिक लार, घबराहट, मुश्किल से सोना, बहुत ज़्यादा रोना और हल्के दस्त आदि जैसी परेशानियाँ होती हैं। साथ ही कुछ बच्चों को इन दिनों बुखार भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बच्चों में दांत निकलने के बीच होने वाली कुछ तकलीफ़ें और साथ ही साइंस एंड सिम्टम्स। जी हाँ, तो ऐसे में अगर बच्चों की इन प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान ना दिया जाए तो उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपको उनकी बेचैनी और दर्द को कम करें। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं इस तरह के दर्द और बेचैनी को कम करने के कुछ उपायों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे की दांतों की तकलीफ कम करने के लिए उसे नेचुरल तीतर चबाने के लिए दीजिए। इससे बच्चे का हेल्थ भी ठीक रहेगा और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। बच्चे को चबाने के लिए आप गाजर, खीरा और चुकंदर का टुकड़ा अच्छी तरह से धोकर दीजिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे को बिस्किट भी दे सकते हैं। जी हाँ, और अगर आपके बच्चे ने ठोस खाद्य पदार्थ यानी कि फ्रेंड्स सॉलिड फूड्स खाना शुरू कर दिया है तो आप उसे ठंडी गाजर का एक टुकड़ा दे सकते हैं। इसके ठंडे तापमान से मसूड़ों के दर्द में राहत मिलेगी और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आप एक लंबी गाजर को धोकर छिलें और 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करें और उसके बाद आप अपने बच्चे को इसे दे दीजिए। गाजर के अलावा आप अपने बच्चे को ठंडा खीरा या फिर सेब का टुकड़ा भी दे सकती हैं। लेकिन फ्रेंड, ध्यान दें, अपने बच्चे को कुछ भी ज़्यादा ठंडा या फिर जमा हुआ ना दें क्योंकि ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले उपाय में आप अपने बच्चों के मसूड़ों की मालिश करें, यानी कि फ्रेंड्स आप उनके गम्स की मसाज करें। इस तरह से उन्हें दर्द में रिलीफ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी मसूड़े या फिर गम्स की मालिश से बच्चों को दांत निकलने की परेशानी को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मसूड़ों पर हल्का प्रेशर पेन को कम करता है और बच्चों को शांत या फिर काम करने में हेल्प करता है। इसके लिए अपनी उंगली अच्छे से साफ करें या फिर एक मुलायम सा कपड़ा लीजिए और कुछ सेकेंड के लिए अपने बच्चे के मसूड़ों को रगड़ें यानी कि मसाज करें। आपके बच्चे को शुरू में शायद अच्छा ना लगे लेकिन फ्रेंड्स बाद में उन्हें बहुत राहत महसूस होगी। इसके अलावा एक सर्कुलर मोशन में बच्चे के चेहरे और साथ ही जबड़े के क्षेत्र में भी मालिश करें, इससे उन्हें दर्द में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों, बच्चों के दांतों की तकलीफ के वक्त काम आएगा कैमोमाइल का फूल। जी हाँ, कैमोमाइल का फूल 1 वर्ष से अधिक उम्र के शिशुओं में दांत निकलने की प्रॉब्लम को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें सूजन को कम करने वाले गुण यानी कि फ्रेंड्स एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि दर्दनाक नसों को आराम देने में मदद करती हैं। इसके लिए आप 1/2 चम्मच सूखे कैमोमाइल फूलों को 1 कप गर्म पानी में मिलाएं। इसके बाद आप इसको छाने यानी कि फ्रेंड्स फिल्टर कीजिए और इस चाय को 1 छोटा चम्मच अपने बच्चे को हर 1 या फिर 2 घंटे के बाद दीजिए। और हाँ, इसके अलावा आप 1 बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा प्योर ऑलिव ऑयल को कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल की 4 से 5 बूंदों के साथ मिक्स कीजिए। अब आप इस मिश्रण को गर्म करें
और आप इसका इस्तेमाल अपने बच्चों के जबड़े और साथ ही कान के आसपास मसाज करने के लिए करें। इससे उन्हें दर्द और साथ ही सूजन को कम करने में हेल्प मिलती है और साथ ही आपका बच्चा शांत हो जाएगा। दोस्तों, बच्चों के दांतों वाले दर्द और साथ ही बेचैनी को कम करने के लिए आप तुलसी के पत्तों का रस और साथ ही शहद को मिक्स करके उसे अपने बच्चों के मसूड़े या फिर गम्स पर लगाएं। इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों, दांत निकलते समय बच्चे के दर्द का इलाज है सब्जियां या फिर वेजिटेबल्स का जूस। जी हाँ फ्रेंड्स, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियां बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इन सब्जियों में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मसूड़ों के दर्द और साथ ही जलन को कम करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा गाजर और चुकंदर आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके लिए आप एक कप गाजर और साथ ही एक कप चुकंदर का रस निकालें और इन दोनों रसों को आप एक साथ मिक्स कीजिए और इसे आइस ट्रे में डालें और इस रस को ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए और अब इन सब्जियों के रस को आइस ट्रे से बाहर निकालें। और फ्रेंड्स, इसे तब तक फ्रिज में रखें जब तक ये आइस क्यूब्स ना बन जाए। और अब इन सब्जियों के रस को आप आइस ट्रे से निकालें और अपने बच्चे को दें। फ्रेंड्स, सब्जी के रस की मिठास और बर्फ़ का कोल्ड टेम्परेचर आपके बच्चे को शांत करने में हेल्प करेगा। लेकिन याद रखिए, आप एक या फिर दो से ज़्यादा बर्फ़ के टुकड़े अपने बच्चे को ना दें। दोस्तों, बच्चों को दर्द से राहत देने के लिए आप करें उनके पैरों की मालिश यानी कि बेबी फुट मसाज। जी हाँ फ्रेंड, दांतों के निकलने के टाइम में आपके बच्चे को शांत करने के लिए उसके पैरों की मसाज करें। ये बच्चे को शांत करने और साथ ही बेहतर नींद को बढ़ावा देने में हेल्प कर सकता है। बच्चों के दांत निकलते समय पैर के ऊपर की मालिश, स्पेशली फ्रेंड्स पैर की उंगलियों पर मालिश, उन्हें कुछ टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके लिए अपने बच्चे के पैर पर कुछ गर्म तेल मलें, पैर की फिंगर्स के नीचे अपने अंगूठे यानी कि थंब की मदद से हल्का प्रेशर डालें। अंत में आप पूरे पैर की अच्छे से मसाज करें। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिए, आप 5 से 10 मिनट से ज़्यादा इस तरह की मालिश ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस तरह की मालिश दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे को दर्द से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी, इसीलिए आप इस तरह की मसाज ज़रूर करें। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों को इन दिनों हेल्दी रखने के लिए आपको किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना है। फ्रेंड्स, आपने बच्चे को केला, ऑरेंज जूस और साथ ही बॉयल किया हुआ सेब खिलाएं। इसके अलावा आप बच्चे को दाल का पानी और खिचड़ी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को दूध भी ज़रूर पिलाएं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और इससे उसके बोन्स एंड टीथ भी स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, दांतों का दर्द कम करने के लिए आप बच्चे को अंगूर का रस भी पिला सकते हैं। इससे बच्चे के दांत स्वस्थ और साथ ही स्ट्रांग होंगे, इसीलिए आप इस तरह का जूस उसे ज़रूर पिलाएं। सो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपका भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है और साथ ही उसके दांत निकल रहे हैं तो उसके दर्द को कम करने के लिए आप इन उपायों को ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।